इसको एवन मुशायरा मीडिया ने कवर किया है। एवन मुशायरा मीडिया से भाई इरफान साहब इस मुशायरे को कवर कर रहे हैं। इंटरनेट के जरिए ये मुशायरा पूरी दुनिया में देखा और सुना जाएगा। इसके लिए मैं मुशायरे के मुंतजमीन को भी और एवन मुशायरा मीडिया को भी इसके लिए मुबारकबाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये मुशायरा बहुत खूबसूरत अंदाज में कवर किया जा रहा है। जो हमारे बच्चे हैं और उनके अगल बगल में जो जवान हैं, कम से कम वो बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग बोल के चले गए, तो इस तरह से सीटियों का इस्तेमाल नहीं, दादो तहसीन का इस्तेमाल होना चाहिए। और हमारे सामने जो बच्चे हैं उनके आगे कुछ बड़े भी बैठे हैं, तो कम से कम इस मुशायरे को बनाएं और यहाँ से कल जब शायर वापस होगा, मेहमान वापस होगा, तो यहाँ की मोहब्बतों को लेकर के वापस होगा और वो यकीनन कहेगा कि मैं आ जहानी नंद किशोर यादव के प्रोग्राम से वापस आ रहा हूं। उनकी याद में जो मुशायरा हो रहा था, वाकईतन वहां के बच्चे, वहां के जवान, वहां के बूढ़े काबिले तारीफ थे। तो आप इस तरह से रहो, आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे बेटे हो, इस तरह से रहिए कि आप किसी को प्यार दे दीजिए और जाने के बाद वो आपको दुआएं देता रहे ताकि आपका मुस्तकबिल संवर सके। दोस्तों, आज मैं देख रहा हूं कि मेरे ये बच्चे सब पढ़ने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर ये नहीं होंगे तो वाकईतन मुशायरा कामयाब नहीं होगा। ये मेरे बच्चे हैं जो मुशायरे को कामयाब करेंगे। लेकिन मैं अपने बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग स्कूल में जाते हो, पढ़ते हो, जहां जरूरत ताली की है वहां ताली का इस्तेमाल हो, जहां खामोशी की जरूरत है वहां खामोशी का इस्तेमाल होना चाहिए। आप लोग इस तरीके से पेश आइए मेहमानों के साथ, शायरों के साथ, कि जाने वाला हर मेहमान, हर शायर आपको दुआओं से नवाजता रहे। दोस्तों, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। बारगाहे रिसालत में हदीए नात के लिए लखीमपुर खीरी से चलकर आया हुआ वो नौजवान शायर, जिसे आप देखेंगे, पसंद करेंगे और दादो तहसीन से नवाजेंगे भी, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ ले आए सज्जाद लखीमपुरी। नात के शेरों में तालियां नहीं, कोई हुक नहीं, सुभान अल्लाह या बहुत खूब, ये होना चाहिए बेटा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये शेर पढ़े जाएंगे, मामूली शख्सियत नहीं है, रहमतुल्लिल आलमीन की शान में ये शेर पढ़े जाएंगे। तो आप अगर सही हैं, दुरुस्त हैं, तो इस तरीके से दादो तहसीन से नवाजिए ताकि ये बच्चा जिसकी हौसला अफजाई हो सके और आपको आसानी के साथ शेर सुना सके। डाइस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ शोराए इकराम, सरज़मीन आज़मगढ़ के खूबसूरत से सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं बड़े भाई जनाब अय्यूब वफा साहब। डाइस पर तशरीफ़ फरमा है मेरे बड़े भाई जनाब शादाब आज़मी साहब, फ़ारूक क़ादिर लखनवी साहब, रजब अली शेरवानी और तमामी शोरा इकराम की शिरकत चाहता हूं और आप तमामी हजरात से शिरकत चाहता हूं। मैं शेर हाजिर खिदमत कर रहा हूं। थम गाएंगे खुद सांसें, थम गाएंगे खुद सांसें आज मेरे सीने में, आज मेरे सीने में। जरा सा वायलूम कम कर दीजिए भाई जी। थम गाएंगे खुद सांसें आज मेरे सीने में, आज मेरे सीने में। थम गाएंगे खुद सांसें, आज मेरे सीने में, आज मेरे सीने में। ऐ
خدا تو پہنچا دے، اے خدا تو پہنچا دے ہند سے مدینے میں، ہند سے مدینے میں۔ اچھا لگا، بہت بہترین داد دے رہے ہیں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سجاد پھر سے پڑھو، بہت خوب، شکریہ۔ تھم گائیں گے خود سانسیں آج میرے سینے میں، آج میرے سینے میں تھم گائیں گے خود سانسیں، آج میرے سینے میں، آج میرے سینے اے خدا تو پہنچا دے، اے خدا تو پہنچا دے ہند سے مدینے میں، ہند سے مدینے میں۔ بھائی تھوڑی سی آواز بڑھائیے ورنہ پھر مائک گلا پکڑ لے گا، تو یہ مائک کی انرجی نہیں، میری انرجی چل رہی تھی، آپ سمجھ رہے تھے کہ مائک کی انرجی ہے، وہ میں بول رہا اتنی تیز سے، تھوڑی سی آواز بڑھائیے آپ۔ تھم گائیں گے خود سانسیں آج میرے سینے میں، آج میرے سینے میں دل کے کالے کاغذ کو دھل کے گھبر رحمت سے، دل کے کالے کاغذ کو دھل کے گھبر رحمت سے، دل کے کالے کاغذ کو دھل کے گھبر رحمت سے، دھل کے گھبر رحمت سے نام مصطفیٰ لکھ دے، نام مصطفیٰ لکھ دے قلب کے نگینے میں، قلب کے نگینے میں نام مصطفیٰ لکھ دے قلب کے نگینے میں، قلب کے نگینے میں شہر طیبہ جانے کا کر دے غیب سے سما، واہ واہ واہ، غیب سے سما شہر طیبہ جانے کا، شہر طیبہ جانے کا کر دے غیب سے سما، کر دے غیب سے سما شہر طیبہ جانے کا، کر دے غیب سے سما، کر دے غیب سے سما رہنا جاؤ پھر روتا، رہنا جاؤ پھر روتا حج کے میں مہینے میں، حج کے میں مہینے میں۔ بہت خوب۔